हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश और आज बात करते हैं ओवल टेस्ट मैच की मैच रिपोर्ट की, यानी कि डे वन को क्या कुछ एक्शन हुआ उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मैच रिपोर्ट की। पहले दिन ओवल टेस्ट मैच में क्या कुछ एक्शन देखने को मिला ये मैं आपको डिटेल से बताता हूं। टॉस जीता था इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने और उन्होंने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। जो रूट शायद ये समझ चुके थे कि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बादल मैदान में नजर आ रहे थे और इसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया कि खुद बल्लेबाजी नहीं की बल्कि इंडिया को बल्लेबाजी के लिए उतारा। इस मुकाबले में भारत और इंग्लैंड दोनों ने दो दो चेंजेस किए। इंग्लैंड ने ओली पोप को टीम में शामिल किया, वहीं क्रिस वोक्स भी उनकी प्लेइंग 11 में नजर आए। जबकि अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडिया ने भी दो चेंज की। मोहम्मद शमी की जगह आ गए उमेश यादव और ईशान शर्मा की जगह आ गए ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर। लेकिन दोस्तों भारत के लिए बल्लेबाजी की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। इनफॉर्म ओपनर्स हमारे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। रोहित शर्मा एक क्रिस वोक्स की उठती हुई गेंद को संभाल नहीं पाए और आउट हो गए और वहीं केएल राहुल एलबीडब्ल्यू आउट हुए। इसके बाद नंबर तीन पर चेतेश्वर पुजारा भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके, जिन्होंने 91 रनों की इनिंग खेली थी और जिमी एंडरसन ने उनको अपना शिकार बनाया। भारत ने कल एक गैम्बल खेला था, रविंदर जडेजा जो कि यूजुअली नंबर 7 पर बैटिंग करते हैं उनको नंबर 5 पे प्रमोट किया था अजिंक्य रहाणे की जगह, लेकिन ये गैम्बल भी सक्सेसफुल नहीं रहा और रविंदर जडेजा सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। भारत की बल्लेबाजी के लिहाज से ये बात अच्छी रही कि कप्तान कोहली उन्होंने अर्धशतक लगाया, हालांकि अर्धशतक लगाने के बाद वो भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और ओली रॉबिन्सन का शिकार बन गए। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे का खराब फॉर्म दोस्तों जारी रहा और वो भी कोई बड़ा धमाका नहीं कर सके। लेकिन भारतीय बल्लेबाजी की जो हाईलाइट थी वो थी शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी, जिन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए और 57 रनों की पारी खेली। और शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी के दम पर ही भारत ने 191 रन का स्कोर बनाया, जो कि लग रहा था कि शायद भारतीय टीम 150 रनों पर सिमट जाएगी और एक और बैटिंग कॉलैप्स जो है वो टीम इंडिया की तरफ से देखने को मिलेगा। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने जोरदार वापसी की और 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाया, जो कि इंग्लैंड की सरजमी पर फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है। तो हैट्स ऑफ टू शार्दुल ठाकुर जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की। चलिए दोस्तों भारत तो 191 रनों पर सिमट गया था, लेकिन अब भारत के गेंदबाजों की बारी थी और भारत के गेंदबाजों ने ओवल में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। शुरुआत इसकी की जसप्रीत बुमराह ने, जो कि इनफॉर्म बॉलर हैं और उन्होंने इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स को चलता कर दिया। रॉरी बर्न्स एंड हसीब हमीद दोनों को जसप्रीत बुमराह ने चलता कर दिया, पवेलियन भेज दिया। दोनों के पास ही जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं था। लेकिन भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा थे इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, जो कि शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी 3 शतक अपने नाम कर चुके हैं। वो अगर क्रीज पर रहते तो भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती। लेकिन इस मैच में शामिल किए गए उमेश यादव ने जो रूट को बोल्ड करके भारत की इस बड़ी मुश्किल को निपटा दिया दोस्तों। 21 रन बनाकर जो रूट आउट हो गए। इंग्लैंड 53 रन पर खेल रहा है 3 विकेट के नुकसान पर और अब इंग्लैंड के लिए भी यहां से राहें आसान नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि भारतीय गेंदबाज चढ़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ओवल टेस्ट मैच में दोस्तों एक रोमांचक बैटल हमें देखने को मिल सकता है और हम उम्मीद करेंगे कि भारत के जो गेंदबाज हैं वो भी जल्दी से जल्द इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्रम को निपटा दें। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर।